जय माँ कुसामडा। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज माता के चौथे स्वरूप माँ कुसामडा का स्वरूप की पूजा करी जाती है। तो आइए आज बताता हूँ कि माँ कुसामडा क्या है। माँ की वह शक्ति का रूप है कि यह संसार त्रिविध तीन प्रकार के तापों से जल रहा है। उस ताप को माँ ने अपने उदर में ग्रहण कर रखा है, इसीलिए माँ को कुसामांडा कहा जाता है। यह माँ तीनों तापों को, तीनों प्रकार के, क्योंकि यह संसार तीन ही शक्ति से संचालित होता है, इसीलिए इस माँ ने इन तीनों प्रकार के तापों को, जिससे कि यह सृष्टि झुलस ना जाए, यह प्राणी यहाँ के नष्ट ना हो, क्योंकि आपने देखा है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं यहाँ पे अमृत उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम रह रहे हैं। अमृत जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ पर विष भी उत्पन्न होता है, तो उस विष जो उत्पन्न हो रहा है इस प्रकृति से, तो उस पर विष को माँ ने अपने उदर में स्थापित करा हुआ है, इसीलिए। और यह विष जो है तीन प्रकार का होता है, तो यह तीनों विष माँ ने अपने उदर में धारण किए हुए हैं, इसीलिए माँ के चौथे दिन की आराधना माँ कुसामडा के रूप में की जाती है। सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, जब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीवन नहीं था, तो इसी माँ कुसामडा, इसी माँ जगदम्बे के इसी रूप माता कुसामडा ने इस संसार को जन्म दिया, इस संसार को पैदा किया, और जब से आज तक माँ इस संसार की रक्षा कर रही है। माँ की आठ भुजाएं हैं, जिन्हें हम धैनवी कहते हैं, धैनवी कहा जाता है। माँ कुसामडा माता सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, जितने भी आपको कष्ट हो रहे हैं, इनसे इनको नष्ट करती है, और जीवन में धन धान्य वैभव सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है, क्योंकि कुसामडा माता जगदम्बे की कुसामडा रूपी शक्ति ही इस संसार को जन्म देती है और इस संसार की रक्षा करती है, और इस प्राणियों के, संसार के जितने भी प्राणी हैं, इन सब के कष्टों को भी वही नष्ट करती है, और अपने बालकों की, अपने बच्चों की सदैव रक्षा करने के लिए तैयार रहती है और सदैव रक्षा करती रहती है। कुसामडा माँ के बिना किसी भी संसार की रक्षा करना संभव ही नहीं है। आपको चौथे इसका मैं एक उपाय बताता हूँ। जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय मद्दा चल रहा है, जिनके व्यापार ठंडे हैं, या जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, अर्थ के संकट से बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान हैं, उनके लिए मैं अवश्य कहूँगा कि वह माता कुसामांडा की आराधना अवश्य करें। इस दिन माँ के मूर्ति के आगे आप हृदय से पूजा करें और माँ को लाल उस पुष्प अर्पण करें, और एक भोजपत्र लेकर के उस पर केसर की स्याही से अष्टदल कमल बना करके वह माँ के चरणों में अर्पित करके, उसके बाद उसे कलावे से बांध करके अपने गले में रख लें, तो आपका व्यापार माँ कुसामांडा की कृपा से चल निकलेगा। माँ कुसामांडा की आप पे बहुत ही कृपा होने लगेगी, और माँ कुसामांडा की साथ कृपा से आप खुशहाल होने लगेंगे आपने व्यापार से। तो इसी के साथ आप माँ कुसामांडा की आराधना अवश्य ही करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माँ कुसामांडा। और आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपने विचार, अपनी जानकारी कोई चाहते हैं तो आप उसे अवश्य कहें। जय माँ कुसामांडा, जय माँ जगत जननी, जय माँ अम्बे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।